नमस्कार दोस्तों, दिव्याभा क्रिएटिविटी जोन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ तुलसी विवाह की पूजन विधि और पूजन सामग्री। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को माँ तुलसी का विवाह भगवान विष्णु से कराया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी को ही भगवान विष्णु के साथ सभी देवी देवता भी योग निद्रा से बाहर आए थे। अब मैं आपसे पूजन सामग्री शेयर कर रही हूँ। तो पूजन सामग्री में हमें चाहिए रोत, हल्दी, हल्दी की गांठ, जनेऊ, कमलगट्टा, कपूर, कुछ दिए, फल फूल चाहिए। अगर आप हाथ से मिठाई बना सकते हैं तो ज़रूर बनाएं। फल में आप केला, ऋतु फल जैसे आंवला है वो चढ़ा सकते हैं, सिंघाड़ा आ रहा है वो चढ़ा सकते हैं, शरीफा, सेब, आप कोई भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं, नहाने का भी योग है। साथ में सिंगार का सामान, आपकी जो भी इच्छा है, चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश, आलता, जो भी श्रृंगार का सामान आप चढ़ा सकते हैं, आपकी इच्छा शक्ति पे है, वो ज़रूर चढ़ाएं माँ को। उसके बाद एक नारियल चाहिए चढ़ाने के लिए, फूल माला दो माला चाहिए, गन्ना बहुत ही ज़रूरी है, गन्ने से मंडप बनाया जाता है, तो एक गन्ने के आप चार टुकड़े कर सकते हैं। तो ये सब पूजा का सामान है। साथ में पूरी ज़रूर बनानी चाहिए, मीठी पूरी बनाई जाती है, और चने और चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया जाता है एकादशी के दिन। सबसे पहले जहाँ पे पूजा करनी है उस जगह को साफ सुथरा करेंगे। माँ तुलसी को आप, अगर आप चाहें तो माँ तुलसी के जो गमला है उसमें चारों तरफ गेरू लगाएंगे या पेंट कर सकते हैं, सामने रंगोली बनाएंगे और शालिग्राम भगवान या विष्णु भगवान जी को स्थापित करेंगे। बगल में एक चौकी पे पीला रंग का वस्त्र बिछाएंगे और वहाँ पे स्थापित करेंगे। आप चावल के एप्पल से भी आप रंगोली बना सकते। फिर सबसे पहले हम गंगा जल से आचमनी करेंगे। गंगा जल से आचमनी करने के बाद हम पूजा विधि स्टार्ट करेंगे। सब सर्वप्रथम हम गणेश भगवान जी को याद करेंगे, उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। बहुत से लोग शालिग्राम भगवान को बगल में नहीं रखते हैं, ऐसे ही तुलसी जी का पूजा करके विवाह करते हैं। फिर हम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। रोरी, हल्दी, इस तरह से। तो भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद ही तुलसी माँ की पूजा करनी है। माला चढ़ाएंगे, पीले रंग की माला गेंदे की अगर मिले तो बहुत ही अच्छा है, भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल बहुत पसंद है। फिर भगवान विष्णु को जनेऊ चढ़ाएंगे। अगर जनेऊ सफ़ेद रंग का है तो आप उसमें थोड़ी सी हल्दी ज़रूर लगा लें। चढ़ाने से पहले आप पहना सकते हैं या बगल में आप रख सकते हैं जनेऊ छुआ के भगवान विष्णु को। अब हम तुलसी माँ की पूजा करेंगे। कुमकुम लगाएंगे, चढ़ाएंगे माँ को, सिंदूर भी चढ़ाएंगे। इस तरह से जो डाले हैं माँ तुलसी की उस पे हम सिंदूर लगाएंगे। सात बार सिंदूर लगा सकते हैं आप। फिर उसके बाद माँ को हम चुनरी पहनाएंगे। बहुत लोग माँ के लिए कपड़े सिलते हैं, लहंगा बनवाते हैं और वो पहनाते हैं, तो ये आपकी इच्छा पे है। तो चुनरी ज़रूर उड़ाएं, चुनरी उड़ाएंगे, लाल रंग की ही चुनरी होनी चाहिए। माँ को फूल चढ़ाएंगे, लाल रंग का ही फूल चढ़ाया है मैंने। फूल माला पहनाएंगे। तो इस तरह से माँ तुलसी की पूजा करेंगे। और सच्चे मन से पूजा करनी है। हो सके तो घर के सभी सदस्यों को पूजा में जरूर शामिल करें, बच्चों को विशेष रूप से। तुलसी का पत्ता चढ़ाएं, तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु को चढ़ाएंगे। फिर इस तरह से हम गन्ने का मंडप बनाते हैं। तो चार गन्ने के टुकड़े लेने हैं और इस तरह से चारों दिशाओं में हम गन्ने के टुकड़ों को रखेंगे। ये देखिए इस तरह से।
और गन्ना विशेष रूप से चढ़ाया जाता है क्योंकि गन्ने का सीजन स्टार्ट होता है। नारियल चढ़ाएंगे, माँ तुलसी को सिंगार का सामान चढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, आपकी इच्छा पे है, आप जो चढ़ा सकते हैं वो जरूर चढ़ाएं। पूजा का शुभ मुहूर्त मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं कि पूजा कब करनी है एकादशी के दिन। कुछ लोग द्वादशी के दिन भी पूजा करते हैं, तो कुछ लोग एकादशी के दिन करते हैं, कुछ लोग द्वादशी के दिन करते हैं। तो मैं दोनों पूजा का मुहूर्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। एक एक करके माँ तुलसी को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। माँ तुलसी को चूड़ी पहनाएंगे और उसी तरह बिंदी के पत्ते में से बिंदी निकाल के माँ तुलसी को लगाएंगे। आप किसी भी पत्ती में लगा सकते हैं इस तरह से। बाद में सुहाग लेना है, तो सुहाग कैसे लेना है वो मैं बताऊंगी। फिर हम माँ तुलसी को सिंदूर चढ़ाएंगे। इस तरह से हमें 5 बार सिंदूर लगाना है। माँ को सिंदूर चढ़ाएंगे। अब हमें फल फूल चढ़ाना है। हल्दी की गांठ भगवान विष्णु को चढ़ाएंगे, कमल गट्टा भगवान विष्णु को चढ़ाएंगे, जो भी भोग और प्रसाद आपने बनाया है माँ के लिए और भगवान विष्णु के लिए वह एक एक करके चढ़ाएंगे। ये बेसन के लड्डू हैं। तो इस तरह से माँ तुलसी और भगवान विष्णु को हम प्रसाद भोग लगाएंगे, सिंगारा चढ़ाएंगे और एक एक करके सारे फल हम भगवान विष्णु और माँ तुलसी को चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे। क्योंकि आंवले का सीजन है, जैसा कि मैंने बताया, तो आंवला जरूर चढ़ाना है। ये विशेष प्रसाद है। चने की दाल को भिगो के रखना है और गुड़ के साथ मिला के चढ़ाना रहता है। इसको पूड़ी पे रख के चढ़ाना है, वो मैं बताऊंगी अभी कैसे चढ़ाना है। सरी पर चढ़ाएंगे। इस तरह से सारे प्रसाद फल फूल हमें चढ़ा देने हैं। उसके बाद हमें घी का दीपक जला के रखना है। 2 दीपक विशेष रूप से बनाने हैं, एक भगवान विष्णु के सामने जला के रखना है, एक माँ तुलसी के सामने जला के रखना है। साथ में आप चाहें तो और भी दिए जला सकते हैं, रंगोली पे सजा सकते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु और माँ तुलसी की आरती करेंगे और आरती में घर के सभी लोगों को शामिल करें तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आरती करने के बाद आरती रखेंगे और उसको आशीर्वाद करेंगे। इस तरह से सभी प्रसाद और फल फूल जो चढ़ाए हैं उनका भोग लगाएंगे और फिर आरती घर के सभी सदस्यों को देंगे। फिर इस तरह से पूड़ी लेंगे। ये मीठी पूड़ी है, चीनी डाल के बनाई जाती है और इस पूड़ी में हम चना और गुड़ रख के इस तरह से भोग लगाएंगे। आप चाहे तो आरती से पहले भी ये काम कर सकते हैं भोग लगाते समय। इस तरह से माँ तुलसी का विवाह किया जाता है। बहुत जगह जो है गांठ भी जोड़ी जाती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। बाद हम क्षमा प्रार्थना करेंगे कि भगवान विष्णु माँ तुलसी, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें माफ़ करें। और बहुत जगह बहुत धूमधाम से गांठ जोड़कर माँ तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी माँ का विवाह कराने से दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही होती है, रुकावट आ रही होती है, वो दूर हो जाती है। तो सभी प्रकार से सुख समृद्धि और शांति घर में बनी रहती है। इसलिए हर घर में तुलसी विवाह करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने और सुनने के लिए। दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिए।